मैं एक मरतबा फिर खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। जिस तरह की आज जजमेंट आई है, किस तरह नवाज शरीफ इस मुल्क के सरबराह रह सकते हैं? सारी लड़ाई ये इंसाफ के लिए है। कौम को इन जजों से कभी इंसाफ नहीं मिला। पानामा केस मुतलिक मुल्क की आला अदालत फैसलो दई छो है। फैसले मुताबिक एफआईए के सीनियर डायरेक्टर की सरबराही में 7 दिन अंदर जेआईटी टीम जोड़ी वेंदी, जेका 2 महीनों में पंजी जांच मुकम्मल कंदी, जडे जेआईटी हर 2 हफ्तन बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच आडो रिपोर्ट पेश करण की पाबंद होंगी। फैसले में यो भी चयो वियो आहे त वजीर आजम नवाज शरीफ संदस पुट हसन और हुसैन नवाज तलब करण ते जेआईटी आडो पेश थींदा, जडे जस्टिस आसिफ सईद खोसा चयो त वजीर आजम की औलाद की वजाहत कबूल ना आए ऐं नई कतरी खत अदालत के कबूल आन। 540 सिफन से बुधायल फैसले में जस्टिस आसिफ खोसा और जस्टिस गुलजारा पारा वजीर आजम के नाअहल करार देने लाए इख्तिलाफी नोट भी लिखा वह, पर 2 भांगे 3 जजन की अक्सरियत सबब बुधायल फैसले कर वजीर आजम नवाज शरीफ नाअहल थियण का बची वो। पानामा केस फैसलो बुधायण का अगु सुप्रीम कोर्ट पारा सिक्योरिटी सख्त कई वही, पुलिस और रेंजर्स मुकर्र कई वही। पानामा केस जो जैसे हकीकतू डिठी वन तो पानामा मामलो 1 साल अग मंजर आम से आयो, जैमें पूरी दुनिया अंदर ममण मतो, केतर ही मुल्क जहाँ सरबराह करप्शन करा उदा विजाए वेठा। जैसे तो पाकिस्तान में वजीर आजम नवाज शरीफ संदस औलाद जहाँ नाला सामू अचण का मामलो सियासी मंजरनामे से छायल रो, मुखालिफ धुर पारा वजीर आजम की इस्तीफा जो मुतालबो किया वो, जो वजीर आजम रद्द कदे मामले की जांच लाए अदालती कमीशन जोड़ने जो ऐलान किया। किसी किस्म की करप्शन, किकबैक या कमीशन का मुकदमा नहीं बना सके, लेकिन इसके बावजूद मैं एक मरतबा फिर खुद को, अपने पूरे खानदान को एहतसाब के लिए पेश करता हूं। हमसे सऊदी अरब में फैक्ट्री लगाने का सवाल करने वाले, जरा ये तो बताएं कि आखिर हमें सऊदी अरब किसने और क्यों भेजा था? कानून की अमलदारी का ढंडोरा पीटने वाले, जरा ये तो बताएं कि एक मुंतखब वजीर आजम को हथकड़ियां लगाकर काल कोठरी में किस कानून के तहत फेंका गया था? जब हमें जलावतन किया गया तो उस वक्त किसी ने सुप्रीम कोर्ट को जगाने की हिम्मत क्यों नहीं की? जब हमारे कारोबार और जाती रहायशगाह पर ताले डाले गए तो मां सवाए इक्का दुक्का बाजमीर लोगों के, उनकी जुबानों पर भी ताले पड़ गए जो आज नेकी के पुतले बने बैठे हैं कि पार्लियामेंट पर हमला करने वाले, ये कहने वाले कि हम प्राइम मिनिस्टर के गले में रस्सा डाल के घसीटेंगे, आज उठकर कानून की बालादस्ती का राग अलापना शुरू कर दें, और जिनके खिलाफ गैर मुल्की अदालतों ने फैसले सादर किए हों वो हमें इखलाकियात का सबक पढ़ाने आ जाएं। सुप्रीम कोर्ट कमीशन जोड़ने का माजरत कई, जै बाद हुकूमत ए मुखालिफ धुर कमीशन जा मोल मता तैयार करने लाए डिघियों गडजाणियों कयूं, पर उन्हें जो को भी नतीजो निकरी न सको। जै बाद टीओआर मामले ते इतफाक राय न थियण का पोए तरीके इंसाफ रोडन ते निकरी आई, 2 नवंबर 2016 ते इस्लामाबाद बंद करण वाले सड का अग वठ पकड़ तशद्दुद चक्रियों का पोए सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच पानामा लीक्स मामले की जांच लाए कमीशन जोड़ने ते इतफाक कयो। 3 नवंबर वे डी पानामा लीक्स में सामू आया इल्जाम की बुधनी शुरू थी, बुधनियों दौरान 15 नवंबर से नव मोड़ आयो है। वजीर आजम के बार के वकील अकरम शेख कतरी शहजादे जो 5 नवंबर से लिखल खत अदालत में पेश किया। खत में जाना वो तो शरीफ खानदान 1980 में अलसानी ग्रुप में रियल एस्टेट के शोबे में जी सीड़पकारी कई उन लंडन में 4 फ्लैट खरीद कया वा हुआ। बुधनियों दौरान तहरीक इंसाफ पारा 7 दस्तावेज पेश कया वा, जनते अदालत नापसंदीदगी जो भी इजहार किया, अखबारी टुकड़ा सबूत ना हूँ।
टी नवंबर से तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी मरियम नवाज ए हसन नवाज के टीवी इंटरव्यू जहा भी हवाला दिना वा जैसे पिण जस्टिस अजमत सईद कावड़ जो इजहार किया। नवंबर के आखिरी बुधड़ी दौरान एक अड़ो भी मोड़ आयो जो सुप्रीम कोर्ट जजन रिमार्क्स दिना तो वजीर आजम की कौमी असेंबली में कल तकरीर में तजाद है। बी बुधड़ी से जजन यो भी तो वजीर आजम पी तकरीर में सच का कम न वरतो है जैसे वह आइन के आर्टिकल 62 ए 63 की वकड़ में अची सके तो। चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली रिटायरमेंट थियण सबब केस की बुधड़ी मुलतवी कई तो हाँ नई बेच जोड़ी वेंदी जदें तहरीक इंसाफ सेप्टूबर का शुरू थियल पार्लियामेंट के बाइकाट के 14 दिसंबर से खत्म किया। ऐवान में अची वजीर आजम खिलाफ नव महाज खोलो। 1 जनवरी से पानामा लीक्स मामलों नए साल में दाखिल थो। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस साकिब निसार 5 रुकनी बेंच जोड़ी। केस की बीहर बुधड़ी का अगु शरीफ खानदान पंजा वकील भी तब्दील कर छ्या जै बाद केस जो फैसलो 23 फरवरी से महफूज किया वो हो जो 56 ढीह गुजरण का दिनों वो है। सुप्रीम कोर्ट पारा बुधायल 540 सिफन से मुश्तमिल फैसले का नून लीग पारा मिठाइयों विराए फैसले की आजियां कई वही है जदें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह अदालत के खिराज तहसीन पेश कंदे एक भेरो बीहर वजीर आजम नवाज शरीफ का इस्तीफा दियण जो मुतालबो कयो आए। इमरान खान जो चवण है तो वजीर आजम का उजेर बलोच वांगुर एक डोहारी जी जांच थी जैसे वजीर आजम वटिक को भी इखलाकी जवाब बाकी नो बचे तो वे उहदे से रहे। पीटीआई सरबराह जो चवण हो तो मुस्लिम लीग नून मिठाइयों कूड़ गालण जो विराय रही है छो तो बिन जजन वजीर आजम के नाअहल करार दिनों है ए 3 जजन कतरी शहजादे के खत के मंझण का इनकार किया है। संदस चवण हो तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सारी कौम की तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये तारीख बनी है पाकिस्तान में कि कभी भी एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उसकी जो पहले सुना उन्होंने तकरीबन 3 महीने जो केस सुना और उसके बाद जो आज जजमेंट आई है ये कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसी जजमेंट नहीं आई। तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जजमेंट क्या आई है? जजमेंट ये आई है कि 5 के 5 जजेस ने ये आज फैसला कर लिया कि जो भी नवाज शरीफ कह रहे थे कि मेफेयर के फ्लैट्स किस पैसे से आए, कैसे पैसा गया, कतरी का खत, 5 के 5 जजेस ने मुस्तरद कर दिया। जीआईटी बनाने का फैसला या मुत्तफिक 5 जजेस का फैसला, इसका मतलब कि जो भी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि सोर्स ऑफ इनकम और मनी ट्रेल, वो मुस्तरद कर दी गई है, यानी कि वो झूठ हो गया है। और 2 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिसेस जो फ्यूचर चीफ जो बनने जा रहे हैं चीफ जस्टिसेस, अभी सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पे इसको डिस्क्वालीफाई करो, झूठ बोला, सादिक और अमीन नहीं रहा नवाज शरीफ। जिस तरह की जजमेंट आई है, किस तरह नवाज शरीफ इस मुल्क के सरबराह रह सकते हैं? उनके पास कौन सी इखलाकी अथॉरिटी रह गई है? क्या अखलाकी जवाज रह गया मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए? क्योंकि उनके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगी। ये जेआईटी जो उनको इन्वेस्टिगेट करेगी उनके और उनकी फैमिली को, ये इसी तरह है जिस तरह उजैर बलोच के ऊपर जेआईटी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो जब प्राइम मिनिस्टर को ये इन्वेस्टिगेट करेगी और सवालात पूछेंगे और उनकी फैमिली को, तो क्या इनके पास इखलाकी जवाज है आज प्राइम मिनिस्टर रहने का? मैं आज सारी पाकिस्तानी कौम की तरफ से नवाज शरीफ को कहता हूं कि वो इस्तीफा दे, वो फौरी तौर पे इस्तीफा दे, और कम अज कम तब तक ये जो 60 दिन जब तक जेआईटी अपना फैसला नहीं करती तब तक फौरी तौर पे इस्तीफा दे। बेतरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन है मुल्क के अगूणे सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आजम नवाज शरीफ का इस्तीफा जो मुतालबो कंदे चयो आहे तो मौजूदा हुकूमत नाअहल आहे ऐं नाअहल हुकूमत मुल्क के बोहरानन जे वर चाढ़े रही आहे। आसिफ अली जरदारी जो वधीक चवण हो तो सुप्रीम कोर्ट जेको न करे सघी छा उहो वजीर आजम जे मातहत रहंदड़ 19 ग्रेड जा आफिसर फैसलो कंदा? संदस चवण हो तो 19 ग्रेड जा आफिसर वजीर आजम हाउस वञी जांच कंदा या वजीर आजम के थाने वठी ईंदा? इनको शर्म आनी चाहिए, किस बात की मिठाई बांटी जा रही है?
इस बात की मिठाई बांटी जा रही है कि दो सीनियर जजों ने कह दिया है कि आप नाइल हैं, उन्होंने कह दिया है कि आप सादिक और अमीन नहीं रहे, इस बात की मिठाई खा रहे हैं आप। सवाल कौम को ये पूछना चाहिए कि ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ। हमने शुरू से पीपल्स पार्टी का ये मौकफ रहा है कि कभी भी पीपल्स पार्टी को या कौम को इन जजों से कभी इंसाफ नहीं मिला। इमरान खान को भी मैं ये कहता हूँ कि खान साहब, आपसे हमने कहा था कि आप हमारे साथ आएं, हमारे साथ मिलें और हम पहले लेजिस्लेशन करें और उस लेजिस्लेशन को लेके हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। उन्हें हमारी बात नहीं मानी, वो भी ना तजुर्बार शासदान है, उनको नहीं पता, ना वो कभी जेल गए, ना कभी उन्हें एफआईआर में किसी का अपना बयान लिखाया है, ना उनको पता है कि जस्टिस यहाँ किस तरह चलते हैं और जज यहाँ कैसे जस्टिस चलाते हैं, इसलिए वो नहीं आ सके, नहीं समझ सके। मैं समझता हूँ कि उनने अपनी शोहरत, अपनी सियासत चमकाने के लिए एक ड्रामा किया जिससे मियाँ साहब को फायदा हुआ और ये सिलसिला चलता रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा कहती है कि आज पाकिस्तान में जमहूरियत का नुकसान हुआ है, जमहूरियत को नुकसान हुआ है, जस्टिस को नुकसान हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अवाम को धोखा दिया गया है, अवाम को बेवकूफ बनाया गया है और अवाम के साथ बहुत सख्त मजाक किया जाए। आसिफ अली जरदारी सा गड्डो मुल्क के नाले वाले कानूनदान पीपल्स पार्टी के अगवान एतजाज अहसन पिण मीडिया से गालाइंदे चयो त बात यह है कि जो लॉयर्स मूवमेंट थी उसके जो मकासद थे वो ब्रॉड सोशल मकासद थे, जिनमें रियासत को मां जैसे बनाना था और हमारे ख्याल में इसकी व्हीकल और इसका इंस्ट्रूमेंट जुडिशरी होगी। जुडिशरी ने पहले भी एक पूरे दौर में मूवमेंट के बाद, बहाली के बाद और आज भी खासा मायूस किया है। जरें तो पानामा केस से सुप्रीम कोर्ट पारा बुधायल फैसले खां पोए नून लीग अगवान ख्वाजा आसिफ अहसन इकबाल एमएन जो चवण हो तो मुखालिफ धुरे अदालत जरिए नून लीग जो मैंडेट खत्म करने की कोशिश कई, पर सुप्रीम कोर्ट उन साजिश के नाकाम बनाए छो। फैसले करती है तो सबूतों के और शवाहिद के बुनियाद पर करती है। जब इमरान खान को पूछा गया उसने कहा मेरा काम है इल्जाम लगाना, ये भी प्रोसीडिंग का हिस्सा था। जब उसने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने सुना वो कहता मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो आज हम यौम तशक्कर मनाएंगे कि जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत आती है ये सियासी पंडित और चंद अफराद जो पाकिस्तान में नवाज शरीफ और उसकी हुकूमत और तरक्की से खाइफ हैं। आज अदालत उज़्मा ने मजॉरिटी के साथ, अक्सरियत के साथ ये फैसला किया है जो मियां नवाज शरीफ ने आज से 6 माह कबल कहा था कि कमीशन बने और वो कमीशन जो है वो इन्वेस्टिगेट करे। हम हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बात आज कंक्लूसिवली हतमी तौर पे एस्टेब्लिश हुई है। वो नाकाम सियासतदान जिन्होंने पहले धरने के जरिए अवाम के मैंडेट पे शबखून मारने की कोशिश हुई और उसमें नाकाम हुए, उसके बाद जब उन्होंने पे दर पे अवाम की अदालत में शिकस्त खाई, कश्मीर में शिकस्त खाई, गिलगित बल्तिस्तान में शिकस्त खाई, बल्दियाती इलेक्शंस में शिकस्त खाई, कैंटोनमेंट बोर्ड्स में शिकस्त खाई, बल्दियाती इलेक्शन के बाद जिमनी इलेक्शंस में शिकस्त खाई, खुद पिशावर में शिकस्त खाई, 2013 में जीती हुई सीटों पर शिकस्त खाई, तो उन्होंने कोशिश की के अदालत के जरिए वो शबखून मारे अवाम के मैंडेट पे और वजीर आजम को इक्तदार से हटाने के लिए चोर दरवाजा इस्तेमाल करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट ने उस साजिश को भी नाकाम बना दिया है। जो कुछ हमने कहा
अदालत के एहतराम और अदालती फैसले के एहतराम के हवाले से, उस पर इमरान खान, सिराजुल हक और बाकी पिटिशनर्स और अपोजिशन भी अमल करें, क्योंकि आज मुल्क की आला तरीन आईनी अदालत ने, वो अदालतें जो आज़ाद हैं, जो किसी दबाव के बगैर फैसले देती हैं, उन्होंने अपनी जजमेंट दे दी है। और JIT की तश्कील प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के मौकफ की फतह है। जड़े तो मुल्क के बेन सियासतदान जो पानामा केस के फैसले अचण का पोए रद्द अमल हो, तो हमारी ये सारी लड़ाई ये तासुब के नहीं है, ये इंसाफ के लिए है। और शुरू से मैं यही कहता चला आ रहा हूँ कि एहतसाब सबका होना चाहिए, और करप्शन के ख़िलाफ़ हमारी ये मोमेंट ये 1996 से जारी है। काजी हुसैन अहमद साहब ने सबसे पहला धरना करप्शन के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में दिया था और आज तक ये जारी है। इस केस के नतीजे में हमारी कौम बेदार हो गई, करप्शन के ख़िलाफ़ एक शऊर बेदार हो गया, और स्कूल के बच्चे भी है और घरों में माएँ और बहनें और बेटियाँ भी अब समझती हैं कि हमारे तमाम मसाइल करप्शन की वजह से है, और करप्शन के खात्मे के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। ये जो यहाँ केस था ये पानामा स्कैंडल की वजह से था, और पानामा स्कैंडल में वज़ीर आज़म और उसके ख़ानदान के अलावा और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है जो पाकिस्तानी हैं, जिनके नाम आए हैं, जो ऑफशोर कंपनियों के ओनर्स हैं, जिन्होंने कर्जे लेकर माफ करवाए हैं। कौम ये चाहती है कि उन सब का मुहासिबा हो। मुल्क की आला अदालत पारा जी पानामा केस जो फैसलो आवाम आडो आंदो वो है, जो बिन महीनन के JIT जांच का पोए वधिक वाज़े थींदो। पर इन वक्त सियासतदान मुताबिक यो सवाल भी इंतहाई अहम है, तो वजीर आजम के नाअहल करण मुतलिक सुप्रीम कोर्ट पारा ब भांगे टे जजन की अक्सरियत सबब वजीर आजम नाअहल करार देने वाले फैसले का रही वो है, तो भला 19 ग्रेड जहाँ आफिसर जांच में वजीर आजम के नाअहल करार देने की पोजिशन में होंद। यो सवाल बहरहाल इन वक्त इंतहाई अहम है, जैसे जवाब इंदर बिन महीन के इंतजार का ही अचणो है। तं कर पानामा केस के फैसले की जांच अजा जारी है, तजस्सुस जांच मुकम्मल थे तई जारी रही।